है गाइस, तो कुछ दिन पहले मार्केट में एक न्यूज आया था जिसको देख के पूरा देश खुशी से झूम उठा था। वो न्यूज ये था कि 15 अगस्त के अंदर अंदर मार्केट में कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये न्यूज जैसे ही बाहर आया तो देश के जो मेडिकल और मेडिकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये एक इम्प्रैक्टिकल डेडलाइन है और एक नया ड्रग जिसका अभी क्लिनिकल ट्रायल भी चालू नहीं हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है कि 45 दिन के अंदर अंदर वो ड्रग मार्केट में आ जाए। बट ऑब्वियसली इंडियन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो एक्सपर्ट्स की बातों को ज्यादा ध्यान देता नहीं है, तो उन्होंने इस न्यूज को सेंसिटाइज किया और तब तक सेंसिटाइज किया जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से एक दूसरा अनाउंसमेंट नहीं आया जिसमें कहा गया कि अगले साल से पहले यानी कि 2021 से पहले ये जो वैक्सीन है इसका मार्केट में आना पॉसिबल नहीं है। बट ऑल दिस मीडिया हाइप इट मेक्स अस वंडर कि ये क्या प्रोसीजर है। एक नया ड्रग मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद उसको मार्केट में लेके आने का प्रोसीजर क्या है, क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, और अगर ये जो रूल्स है उसे फॉलो नहीं किया गया ठीक से तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है, तो चलिए पता करते हैं। अच्छा, पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एनडीए है यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन का प्रोसीजर है ये अलग अलग देश में अलग अलग है। यूएसए में एक है, यूरोप में अलग है, एशिया के अलग अलग देशों में अलग है। तो यहाँ पे जो भी मैं रूल्स बताने वाला हूँ वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, ये अमेरिका या यूरोप में एप्लीकेबल होगा नहीं, एशिया के अलग देशों में एप्लीकेबल होगा नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए ये रूल स्पेसिफिकली है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसे ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। ओके, सो मान लीजिए आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है या फिर आप एक फार्मा कंपनी के मालिक है और आप एक नया ड्रग मार्केट में लाना चाहते हैं, तो आपके लिए पहला स्टेप है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या DCGI के ऑफिस में इसके लिए एक अपील करना। नाउ टू अवॉइड गेटिंग टू नर्डी, मैं कैसे अप्लाई करना है उसके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं, पर यहां पर दो फॉर्म्स आप देख सकते हैं। पहला फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 30, इसमें आपको अप्लाई करनी है, फॉर्म फिलअप करके आपको DCGI में अप्लाई करना है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए, और फॉर्म नंबर 29 में DCGI से उसको फिलअप करके आपको दिया जाएगा एज योर परमिशन टू मैन्युफैक्चर द ड्रग। नाउ यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो परमिशन है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये परमिशन सिर्फ उस ड्रग को टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए दिया जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग परमिशन ड्रग को मार्केट करने के लिए, कमर्शियली मार्केट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस परमिशन के अंदर आप उस ड्रग को बना सकते हैं और उसको एग्जामिन, टेस्ट, एनालिसिस कर सकती है। चलिए ये हो गया, जिसकी वजह से आपको परमिशन मिल गया ड्रग को टेस्ट के लिए मैन्युफैक्चर करने का। अब स्टेप नंबर 2। तो आपने रिसर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया और अब ये ड्रग रेडी है, ड्रग का पहला प्रोटोटाइप आपके लैब में पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब क्या है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इज बेसिकली एनिमल ट्रायल्स, यानी कि एनिमल्स पर जब वो टेस्ट किया जाता है तो क्या करते हैं इस स्टेप में, कुछ ऐसे एनिमल्स को लिया जाता है जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ह्यूमन जेनेटिक स्ट्रक्चर से काफी सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए रैबिट्स या गिनी पिग या माइस, ऐसे एनिमल्स को लिया जाता है और उन पे इन ड्रग्स का इफेक्ट टेस्ट किया जाता है। नाउ बिफोर यू डू दैट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम CPCSEA और IAAC एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकता है। ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं चाहता कि आप मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स पे ट्राई करें और उसका रिजल्ट एक्यूरेट ना आए। जहां तक जितना मिनिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए उतना ही आप कीजिए, उससे ज्यादा करने का परमिशन लॉ फार्मा या इस केस में आपको नहीं देती। साउंड्स गुड? नाउ अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उसको पार कर लिया है, आपका जो रिजल्ट है सेटिस्फेक्टरी है। नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई टू DCGI फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरे वैक्सीन का मार्केट में ले आने का जो प्रोसेस है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये क्लिनिकल ट्रायल्स। तो फिर से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म है, बहुत से डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्या डिटेल्स उसमें नहीं जाते यार, दैट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न। मान लेते हैं आपने सब फॉर्म भर दिया और DCGI ने आपको परमिशन दे दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। ऑलराइट, सो इन दिस स्टेज दैट इज द क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, यू विल बी वर्किंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद CTRI एंड यू विल बी रिपोर्टिंग एवरी डेटा यू फाउंड एट एवरी स्टेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल टू CTRI। बेसिकली यू विल बी वर्किंग विद देम in this whole process of clinical trials. Now, the clinical trials in India occur in 4 stages. 4 stages mein ye trial kiya jata hai. Pehla phase number 1 hai pharmacology test ya fir first man study. Bahut se naam hai iska.
इसमें क्या होता है, 3 या 4 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और उनमें इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। नाउ यहाँ पे जरूरी है कि जो वॉलंटियर्स से दे नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब उन्हें पूरा जानकारी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या अपने शरीर में ले रहे हैं या उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं उन्हें पूरा आइडिया होना चाहिए। वो लोग वॉलंटरीली ये काम कर रहे हैं तभी उनको वॉलंटियर कहते हैं। या तो इस टेस्ट से क्या पता चलेगा हमें, इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इस ड्रग को एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं। मतलब एफिकेसी तो बाद में, इस टेस्ट का उतना मुद्दा भी नहीं होता ड्रग का एफिकेसी समझना, इस टेस्ट में ये समझा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के साथ वो ड्रग कॉम्पैटिबल भी है या नहीं। पहली बार किसी ह्यूमन बॉडी में ये ड्रग एडमिनिस्टर किया जा रहा है और अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आता है तो तब वहीं पे उस ड्रग का जर्नी एंड हो जाता है, फिर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वगैरह। तो इस टेस्ट में एफिकेसी ज्यादा ये देखा जाता है कि वो ड्रग ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट भी कर रही है या नहीं। अगर कर रही है, कोई ज्यादा अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन फेज टू। नाउ फेज टू इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी फेज। ऑब्वियसली इसका नाम से ही क्लियर है कि इस फेज में एक्सप्लोरेशन होता है। तो 3-4 ग्रुप्स बनाया जाता है 10 से 13 लोगों की अलग अलग सेंटर में और उन पे ये ड्रग्स एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि इस ड्रग का इफेक्ट अलग अलग डेमोग्राफिक में, वेरी डेमोग्राफिक में पता चले। तो 10 से 13 लोगों की ग्रुप बना जाता है, 3-4 अलग अलग सेंटर में ये ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है उनके बॉडी में और फिर देखा जाता है कि इस ड्रग का क्या इफेक्ट या क्या रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे एफिकेसी टेस्ट किया जाता है पर उसके साथ साथ कोई भी अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट के लिए कड़ी नजर रखा जाता है। फेज नंबर 3। सो फेज नंबर 3 इज कॉल्ड द कंफर्मेटरी फेज। यहाँ पे फिर से 3-4 ग्रुप बनाया जाता है। पहले टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, पहले टेस्ट में मिनिमम 2 वॉलंटियर्स में वो इंजेक्ट किया जा रहा था, मिनिमम नंबर ऑफ 2 वॉलंटियर्स और 3-4-5 वॉलंटियर्स हो सकता था। सेकंड स्टेज में हमने 3-4 ग्रुप्स बनाए, एक एक ग्रुप 10 से 13 वॉलंटियर्स का था और अब हमने 3-4 ग्रुप फिर से बनाए पर अब एक एक ग्रुप में 1,000 से 3,000 तक लोग हो सकते हैं। तो इन टोटल 5 से कुछ 10,000 तक लोगों में ये ड्रग अब टेस्ट किया जाएगा इस कंफर्मेटरी या फेज 3 में। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फेजेस ऑफ द होल क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि पहली बार आप जिन पे ये ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में नहीं रख रहे, सर्वेलेंस में ऑफ कोर्स रख रहे हैं, लेकिन जब आप 2 लोगों में वो दे रहे थे या फिर 10 से 13 के 3-4 ग्रुप्स में दे रहे थे, इट वॉज पॉसिबल फॉर द फार्मा, इट वॉज पॉसिबल फॉर द रिसर्चर्स टू कीप एवरीवन इन क्लोज सर्वेलेंस। बट ऑब्वियसली अब 10,000 लोगों के साथ आप सबको तो कड़ी नजर में रख नहीं सकते ना, तो दिस पर्सन आफ्टर टेकिंग ऑन द ड्रग दे विल बी लिविंग इन नॉर्मल वर्ल्ड सिनेरियो या फिर रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और रियल वर्ल्ड में किसी के शरीर में ये ड्रग जाने के बाद वो कैसा इफेक्ट कर रहा है वो इस स्टेज से पता चलता है रिसर्चर्स को। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द होल क्लिनिकल ट्रायल। नाउ इस स्टेज में भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, देन यू आर डन। नाउ योर जॉब इज टू अप्लाई टू डीसीजीआई अगेन फॉर कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द ड्रग। 2 अलग अलग परमिशन से यहाँ पे 2 फॉर्म्स है, इस पे आप अप्लाई करते हैं, फर्स्टली कमर्शियली मैन्युफैक्चर करने का और फिर कमर्शियली उस ड्रग को मार्केट करने का, एंड देन यू आर डन। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग कि मैंने कहा था 4 स्टेप्स है और मैंने सिर्फ 3 का ही बात किया, एंड द ड्रग हैज ऑलरेडी बीन लाइसेंस्ड एंड इट इज ऑलरेडी बीन गिवन परमिशन टू मार्केट। सो वेयर इज स्टेप 4? स्टेप 4 अब स्टार्ट होता है। अब ये ड्रग कमर्शियली अवेलेबल है, डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट्स फार्मेसी से उसे खरीद रहे हैं। अब फार्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मॉनिटर करना, अगर कहीं से भी कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है, कोई बड़ा नेगेटिव रिव्यू आता है तो वहां पे उस ड्रग को स्टॉल करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा जो भी है, पर कुछ महीनों तक, ये डिपेंड करता है उस फार्मा के ऊपर और डीसीजीआई का जो भी गाइडलाइंस है या जो भी ऑर्डर वो उस वक्त देता है उसके ऊपर कि टाइम पीरियड कितना होगा, पर मान लेते हैं कुछ महीना है, तो कुछ महीनों तक उस फार्मा को स्ट्रिक्ट नजर रखना पड़ता है इस ड्रग को लेके कोई भी कंज्यूमर फीडबैक के ऊपर। अगर कोई भी बड़ा नेगेटिव फीडबैक आता है तो ऑब्वियसली उस फार्मा को, उस ड्रग को स्टॉल करना पड़ेगा और जो भी नेसेसरी प्रोसीजर्स है उसको लेना पड़ेगा। अब अगर कुछ महीनों के अंदर कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आता है, बड़ा नेगेटिव फीडबैक नहीं आता है, तो दे आर डन, द ड्रग इज नाउ कंप्लीटली कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर बाद में कभी कोई नेगेटिव फीडबैक आता है उस ड्रग को लेके, तो ऑब्वियसली तब भी फार्मा को स्टेप लेना पड़ेगा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक ड्रग को, नए ड्रग को मार्केट में लाने का क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओ एंड पनिशमेंट,
सो यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके अंदर। तो पनिशमेंट का मतलब है कोई अगर अनलाइसेंस कोई ऐसा वो ड्रग मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसको ऑथराइज नहीं करवाता है, उसका लाइसेंस नहीं निकलवाता है और फिर भी मार्केट में कमर्शियली उसे बेचता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। पनिशमेंट है कि सच ऑफेंसेस आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स बट व्हिच मे एक्सटेंड फॉर अ टर्म ऑफ लाइफ with a fine which shall not be less than 10 lakh of rupees or 3 times of the value of the drug confiscated whichever is more. So iska matlab basically hota hai ki agar koi iske contravention mein drug bechta hai to usko 10 saal tak ki saza ya fir jo extend ho sakti hai life imprisonment tak 10 saal ya life imprisonment iske beech mein kuch bhi saza ho sakta hai uske sath 10 lakh tak ka fine ho sakta hai 10 lakh of rupees ya fir 3 times of the value of drug confiscated, यानी कि अगर कोई ड्रग बेच रहा है तो obviously उसके गोडाउन में अगर रेड होगा या कुछ भी होगा तो ड्रग कन्फिस्टिकेशन होगा, ड्रग मिलेगा वहां पे, तो जितना भी ड्रग वहां पे मिलता है उससे 3 गुना अमाउंट उसको फाइन के रूप में देना पड़ेगा। अब जो भी अमाउंट ज्यादा है, अगर 10 लाख रुपीज ज्यादा है तो वो देना पड़ेगा, अगर उस जो ड्रग कन्फिस्टिकेशन हुआ जिस अमाउंट ऑफ ड्रग का उसका अगर मॉनिटरी वैल्यू उसका 3 टाइम्स का मॉनिटरी वैल्यू अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो वो अमाउंट एज अ फाइन देना पड़ेगा, व्हिच एवर इज मोर उसको फाइन देना पड़ेगा। नाउ इस रूल का एक लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है जिसको इस्तेमाल करके बड़े कंपनीज ऐसे अनऑथराइज ड्रग बेचते हैं, और मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल निकाला है ढूंढ के, ये 2018 का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, यहाँ पे लिखा है कि आप देखिए देख सकते हैं, बिग फार्मा कंपनीज विच मार्केट दिस ड्रग्स look to escape the penalty as under the present law only the manufacturer is responsible for the quality of the product, hence similar players that are contracted for manufacturing the drugs are the ones hence smaller players which are contracted for manufacturing the drugs are the ones liable for quality under the existing law. So basically kya hota hai, ye jo bade companies hai, main naam nahi lunga, par wo companies agar unauthorized sale karna chahta hai drugs ka to wo chote companies ko कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ऑब्वियसली अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका कोई पेपर्स नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप बनाइए हम मार्केट करेंगे। ऑब्वियसली छोटा कंपनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके, या फिर मैं नहीं कह रहा कि उनका भी नियत एकदम साफ होता है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके वो बना लेते हैं और फिर ये जो बड़ा कंपनी है वो उस ड्रग को लेके मार्केट में मार्केट में बेचता है उसके नाम के अंदर उसके लेवल के अंदर। अब जब वो ड्रग पकड़ा जाता है, जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि ऐसा एक अनऑथराइज ड्रग बिक रहा है और वो पकड़ा जाता है, नाउ द स्मॉलर फार्मा यानी कि स्मॉलर प्लेयर दैट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग आर द वंस लायबल, तो उस लॉ में लिखा गया है कि जब ये अनऑथराइज ड्रग बिक रहा है उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो सजा देना पड़ेगा, तो ये जो स्मॉलर कंपनी था उसके मालिक को फाइन देना पड़ेगा, उसके मालिक को जेल होगा, वो कंपनी शटडाउन हो जाएगा, पर जो मार्केट कर रहा था उसका जीरो लायबिलिटी होगा क्योंकि लॉ कहता है कि ऐसे अनऑथराइज्ड ड्रग के मैन्युफैक्चरर को ये सब देना पड़ेगा। वो जो लॉ मैंने पढ़ा उसके शुरू में लिखा है कि द मैन्युफैक्चरर इज लायबल फॉर ऑल दिस स्टफ, सो मार्केटर यहाँ पे ऐसे इस लूप होल को इस्तेमाल करके इस चीज से एकदम निकल जाता है, और ये एक लूप होल है जो कि लेजिस्लेशन में है, इस लूप को चेंज करना चाहिए ताकि ये इस लूप होल को इस्तेमाल नहीं किया जाए, पर ऑब्वियसली अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं है। बट यार इज वर्थ नोइंग कि ऐसा भी होता है, कानून के लूपहोल ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल के बाकी वीडियो भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी ऑन द वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।